हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। हम मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक स्टूडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी हो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, स्टूडियो में बात करेंगे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, जो कि जबरदस्त कंडीशन में, आज की बात करें तो 10% के आसपास इसमें जंप देखने को मिला था, और चीजें काफी फेवर में है एट प्रेजेंट। जो पैंडामिक है वो टोटली फेवर में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसके पास काफी बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, और मैंने हर बार इसको रिकमेंड किया है कि जितना हो सके आप इसको इकट्ठा करें। जैसे जैसे नीचे जाता है आप इसकी क्वांटिटी को इकट्ठा करें और अपने पास एक अच्छा खासा एवरेज आप अपने पास रखें, क्योंकि जो अभी जो पैंडेमिक है उसमें जो वैक्सीन का जो मेन रोल अभी एट प्रेजेंट है, और वो वैक्सीन तभी रह सकती है जब उसको कोल्ड स्टोरेज मिलेगी। तो एक लार्जेस्ट कोल्ड स्टोरेज है स्नोमैन लॉजिस्टिक के पास, सो जिसकी वजह से काफ़ी ऊंचाइयां अभी छूने को तैयार है स्नोमैन लॉजिस्टिक की बात करें तो। और काफ़ी सारे बदलाव भी हुए हैं अगर बात करें होल्डिंग में, वो भी हम दोबारा से देखेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप तक पहुंचाई हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक को लेकर। आज की बात करें तो आज के हाई की 54.50 रुपये, आज का हाई है। लो की बात करें 50.50 रुपये आज का लो है। बाउंड्री का हाई की बात करें 71.25 रुपये बाउंड्री का हाई है। लो की बात करें 24.55 रुपये इसका बाउंड्री लो है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं गाइस, तो मैक्सिमम की बात करें 125 रुपये के आसपास का शेयर हुआ करता था, और एट प्रेजेंट आपको 53-54 रुपये के आसपास इसका फ्लक्चुएशन मार्केट में मिल रहा है। सो गाइज, इसके अलावा इसके अगर एट प्रेजेंट एनालिसिस को चेक करें तो चीज़ें काफ़ी बेटर नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ की बात करें 7 स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटीज 5 है, वीकनेस सिर्फ 1 है, थ्रेट 1 है। सो गाइज, इसकी स्ट्रेंथ पे चलते हैं। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो कि डायरेक्टली मैं उसी के ऊपर ही चलता हूँ, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो काफ़ी लो है। सो गाइज, कंपनी के ऊपर डेप्ट जो कि बिल्कुल लो है, तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर जो कि देखी जा रही है स्नोमैन लॉजिस्टिक में। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेस, और यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है जो स्ट्रेंथ है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, और काफ़ी बड़े अमाउंट के साथ एंट्री हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वीकनेस की बात करें रेड फ्लैग हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो रिजल्ट स्कैनर स्टॉक्स विद अपकमिंग रिजल्ट विच आर सीइंग पॉजिटिव शिफ्ट इन शेयर प्राइस, पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रेसिस्टेंस टर्न अराउंड कंपनीज लॉस टू प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि लास्ट क्वार्टर मीन्स जो कि जहां तक रिजल्ट आ चुका है दिसंबर क्वार्टर में इसने टोटली प्रॉफिट दिखाया था, एंड हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक्स लो, जो कि 24-25 रुपये के आसपास का शेयर हुआ करता था, और वहां से लेके और मोर देन डबल इसने जंप किया हुआ है ऑलरेडी। स्टॉक विद लो पी हाई वॉल्यूम हाई गेन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर थ्रेट की बात करें इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। सो इसके अलावा आज की बात करें या फिर लास्ट 5 दिन की बात करें, 4 दिन की बात करें, तो आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा जंप यहाँ पर, जो कि आज भी क्वांटिटी इतनी बड़ी क्वांटिटी जो कि अभी बाय करने के लिए बैठी हुई है। सो काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन है स्नोमैन लॉजिस्टिक की बात करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके सेंटिमेंट की बात करें तो सेंटिमेंट टोटली इसके फेवर में है, 92% बाय, 8% होल्ड और 0% सेल करने का सजेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि टोटली अपने पास रखने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं कि जितने शेयर हो सके आप इकट्ठा कर ले, थोड़ा थोड़ा करके आप एक अच्छा खासा एवरेज अपने पास रख ले। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके जो रिजल्ट की बात करें, इसके फाइनेंशियल की बात करें, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, काफी अच्छा खासा ग्रोथ इवन टोटली इंक्रीज ही हो रहा है। सो अभी देखना बाकी है कि जो मार्च का रिजल्ट है वो कैसा होगा, और रिजल्ट भी ऑलरेडी जो कि डेट है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है कि कब इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा, कब जो मीटिंग शेड्यूल हुई है वो भी हम दोबारा से देखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो दिसंबर का क्वार्टर था वो उसमें टोटली प्लस में आ चुकी है कंपनी। एंड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो सेम सिचुएशन अर्निंग पर शेयर में है। एंड अगर बात करें होल्डिंग की, तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले कि जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है जो ऑलरेडी एंटर हो चुका है, तो यहां पर काफी बड़ी एंट्री मारी है फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, 1.7% फॉरेन इन्वेस्टर्स की एंट्री हो चुकी है शेयर होल्डिंग के लिए। एंड प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 45%
यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग की बात करें 58% के आसपास पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है। सो गाइज ऑफकोर्स जो कि फॉरेन इन्वेस्टर ऑलरेडी मार्च वाला क्वार्टर है उसमें एंट्री मार चुका है। सो गाइज अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें काफी बड़ी न्यूज आई है ऑलरेडी, मैं ये चीजें दिखा भी चुका हूँ पहले भी, काफी सारी वीडियो इवन मैंने आप तक पहुंचाई है। तो न्यूज पर चलते हैं डायरेक्टली एंड गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलें, अदरवाइज एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। एंड न्यूज पर चले तो ये न्यूज है कि जो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जंप्स आफ्टर क्रिजिल रीअफर्म्स रेटिंग। सो गाइस लॉन्ग टर्म रेटिंग यहाँ पर जो कि काफ़ी बड़ी काफ़ी अच्छी रेटिंग यहाँ पर मिली है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को लेके, जो रेटिंग कंपनी है क्रिजिल, जो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स शोड 10.35% टू ₹50.65 आफ्टर क्रिजिल रेटिंग्स ऑन 19th April 2021 रीअफर्म द कंपनीज टोटल बैंक लोन फैसिलिटीज वर्थ ₹129.75 करोड़ एट क्रिजिल ए स्टेबल। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स रिपोर्टेड आ स्टैंडलोन नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1.42 करोड़ इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 कंपेयर्ड विद अ नेट लॉस ऑफ ₹3.45 करोड़ इन Q3 फाइनेंशियल 20। नेट सेल्स ड्यूरिंग द क्वार्टर रोज 2.4% ईयर ऑन ईयर टू ₹60.18 crore। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। सो गाइज मैंने आपको बताया था कि जो अभी वैक्सीन है ऑफकोर्स जो कि जिसको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, और सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज स्नोमैन लॉजिस्टिक के पास है। तो मेन जो कि रोल इसका जो कि अभी एट प्रेजेंट पैंडमिक में मान सकते हैं, एंड ये न्यूज है, ये क्रिजिल ने जो कि लॉन्ग टर्म रेटिंग जो कन्फर्म की थी, ये न्यूज हर जगह फ्लैश है। स्नोमैन लॉजिस्टिक शेयर जंप्स 10% आफ्टर क्रिजिल अफर्म्स लॉन्ग टर्म रेटिंग। सो गाइज काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें स्नोमैन लॉजिस्टिक की तो इतनी सारी न्यूज़ आ रही है। आप अमेजन के साथ डील की बात हो, MOU साइन की बात हो SpiceJet के साथ, FMCG से बात करने की बात हो, या फिर लैंड एक्विजिशन की बात हो, काफ़ी सारी न्यूज़ हैं और बहुत सारी न्यूज़ मैंने आप तक पहुंचाई हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां पर क्लिक करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस न्यू जो कि इसके जो लेटर हैं ऑलरेडी BSE और NSE को जा चुके हैं, उन लेटर पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो गाइस ये पहला लेटर है जो कि क्रिजिल ने जिसने लॉन्ग टर्म रेटिंग जो कि ऑलरेडी ये BSE और NSE को जो कि ये जा चुका है लेटर, तो ये रेटिंग का जो लॉन्ग टर्म रेटिंग जो कि प्रोवाइड की गई है। एंड एक लेटर ये है जिसमें जो कि जो ऑफकोर्स जो कि ये लेटर है जिसमें 26th of April को जो इसका रिजल्ट अनाउंस होना है, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल होनी है 27th को, जिसका लिंक यहाँ पर मेंशन है। तो गाइस चीज़ें काफ़ी स्टेबल और बेटर हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक की बात करें तो, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, थोड़ा थोड़ा करके अभी भी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 100-100 शेयर तो ले सकते हैं, 100-100 शेयर करके तो इकट्ठा कर सकते हैं। आई नो कि थोड़ा ऊपर चला गया है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अभी पैनामिक की बात करें, COVID-19 कोरोना वायरस की बात करें, तो 3.25 लाख केस कितना बड़ा यहाँ पर इवन रिस्की हो चुका है। तो सारा पूरा रोल जो कि ऑफकोर्स जो कि वैक्सीनेशन और इन सब चीज़ों के लिए स्नोमैन लॉजिस्टिक का रोल काफ़ी बड़ा है। सो गाइज अभी भी थोड़ा थोड़ा करके इसको ट्राई कर सकते हैं, और एक इन फ्यूचर एक लंबे टाइम के लिए एक लंबा अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।